उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद 251 सिराथू विधानसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ है। सिराथू विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रतिद्वंदी के रूप में अपना दल समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। पल्लवी पटेल ने आज जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में 251 सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव और पार्टी के पदाधिकारी और अपना दल के जिला अध्यक्ष विनोद कसेरा नामांकन में मौजूद रहे। नामांकन कर पल्लवी पटेल पत्रकारों से वार्ता करते हुए विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू का नेता नहीं सिराथू का बेटा कहने वाली बात पर पल्लवी ने कहा, जब बेटा निकम्मा हो तो बहू को ही बागडोर संभालनी पड़ती है। पल्लवी पटेल ने नामांकन के दौरान सपाइयों में काफी जोश दिखाई दिया। देखिए, चुनौतियां तो उत्तर प्रदेश में बहुत देरी है और चुनौतियां और स्थितियों का तो ये आंकलन आप कर सकते हैं कि इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपने लिए सीट तलाशनी पड़ रही है। और क्योंकि मैं सिराथू की बहू हूँ और ऐसे में मेरा मानना है कि मेरे सामने प्रतिद्वंदी के रूप में डिप्टी सीएम या कोई और ये अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये रखता है कि किन मुद्दों पे चर्चा होगी और हमारी नीयत क्या है, हमारी सोच क्या है। कौशाम्बी से जनमत न्यूज के लिए राहुल भट्ट की रिपोर्ट।